इस वीडियो में हम सीखेंगे रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, देन रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसके बाद रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसके बारे में भी सीखेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, कितने प्रकार की रेजिस्टेंस होती है, उसी के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इसी 5 पॉइंट के अलावा और भी 2 पॉइंट ऐड किया गया है, वो है डिफरेंट मेथड टू मेजर रेजिस्टेंस, कौन सी मेथड में हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अंत में हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन अर्थ रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इस दोनों में क्या डिफरेंस हो सकती है, इसी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि हम जब किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम करंट फ्लो होगी और उसी करंट को इजीली फ्लो करने में नहीं देती है, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट का वैल्यू थोड़ा कम हो सकती है, यानी कि कम होगी, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस को हमेशा आर में रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर में, ठीक है, इसी सिंबल के साथ। और उसका जो यूनिट होता है ओम में है, और उसका बड़ा यूनिट किलो ओम, मेगा ओम में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए देखेंगे लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ पे रेजिस्टेंस हमेशा 4 फैक्टर में डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आइए उसके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। लेंथ ऑफ मटेरियल, अगर इफ रेजिस्टेंस आर, उसी टाइम लेंथ एल होगी, तो उसको हम अगर इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स, 2L 2R, देन इसी रिलेशनशिप को कहेंगे R प्रोपोर्शनल टू L। अनदर एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे थोड़ा उसको समझेंगे। केस 1 में देखिए L इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। केस 2 में L अगर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी, ठीक है। केस 1, केस 2 में इंक्रीज हो रहा है और केस 2 में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आरो के साइन के हिसाब से मैंने यहाँ पे समझाने का कोशिश किया हूँ। एल इंक्रीजेस, आर इंक्रीजेस, एल डिक्रीजेस, आर डिक्रीजेस, इस कंडीशन को बोलेंगे आर प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, ओके। तो हेंस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ ऑफ मटेरियल्स, ओके। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। मान लो एक वायर का डायमीटर लेंगे, उसका डायमीटर को इंक्रीज करेंगे, अगर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली एरिया इंक्रीज होगी, ठीक है। एरिया अगर इंक्रीज है तो साइज ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगी, उसी कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। यहाँ पे डायमीटर इंक्रीज हुआ, एरिया भी इंक्रीज हो रहा है और साइज ऑफ द कंडक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसी कंडीशन में रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है, इसी कंडीशन को बोलेंगे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इन दोनों रिलेशन से हमको क्या मिला, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, आर इक्वल टू रू एल बाई ए,
आर इज इक्वल टू रू एल बाई ए, ये हुआ हमारा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर मटेरियल को देखेंगे। मान लो टेम्परेचर टी और रेजिस्टेंस आर में रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों में अभी हम इसको कंपेयर करके यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर टी जब राइज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी राइज हो रहा है, इंक्रीज होगी दोनों की। और सिमिलरली जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है, आरओ के सिंबल के साथ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में कंडीशन में केस वन में राइज हो रहा है टेम्परेचर राइज तो रेजिस्टेंस राइज है, और जब डिक्रीज हो रहा है तो दोनों में डिक्रीज होता है। इसी कंडीशन को टी पर्सनल टू आर पढ़ सकते हैं और लिखेंगे। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, आर प्रोपोर्शनल टू टी, बोथ आर प्रोपोर्शनल ईच अदर इसी कंडीशन में। ओके, देन नेचर ऑफ द मटेरियल्स, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल। मान लो एक कॉपर कंडक्टर लेंगे और एल्यूमिनियम कंडक्टर और सिल्वर कंडक्टर और निक्रोम, अलग अलग प्रकार की कंडक्टर मटेरियल अलग है और कंडक्टर भी अलग हो सकता है। सो इसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू हमको मिलेगी अगर एरिया और लेंथ कॉन्स्टेंट रखेंगे तो। ठीक है, सो नेचर ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ मटेरियल में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर और निक्रोम वायर में डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद सीरीज कनेक्शन, आर वन आर टू यहाँ पे कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सपोज आर वन आर टू कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे आर टोटल जो है, आर टोटल इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस एडिटिव इन नेचर। देन अदर फैक्टर जैसे कि करंट, वोल्टेज और पावर कैसे डिपेंडेंट है, यहाँ पे करंट यहाँ पे तो सेम होगी और वोल्टेज जो है, वोल्टेज ड्रॉप इन आर वन आर टू उन दोनों का समेशन वोल्टेज अप्लाई के साथ सेम है, और पावर तो टोटल पावर इसको पी वन पी टू के साथ सेम है। ठीक है, देन आइए देखेंगे पैरेलल कनेक्शन। मान लो आर वन आर टू कनेक्टेड इन पैरेलल्स, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज में कनेक्टेड है, आर वन और आर टू पैरेलल में कनेक्शन किया गया। तो यहाँ पे हम जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि वन बाई आर टी इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, तो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसी कंडीशन पैरेलल में जब कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज हमेशा सेम रहेगी और करंट डिवीजन होगा। उसके बाद देखेंगे टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से, यानी कि ओमिक की वैल्यू के हिसाब से हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लो रेजिस्टेंस, देन मीडियम रेजिस्टेंस एंड थर्ड वन इज हाई रेजिस्टेंस। लो, मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस सब तीन भाग में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, जब अप टू वन ओम है मैग्नीट्यूड की वैल्यू वन ओम हुआ तो लो रेजिस्टेंस, सिमिलरली वन ओम टू हंड्रेड किलो ओम मीडियम रेजिस्टेंस, अगर मोर देन हंड्रेड किलो ओम तो हाई रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस वन ओम टू वन ओम, अगर मीडियम वन ओम टू हंड्रेड किलो ओम के बीच में रहेगा। इसके बाद आइए देखेंगे मेथड टू मेजरमेंट रेजिस्टेंस।
ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर मेथड मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर मेथड, केल्विन ब्रिज मेथड, ये लो रेजिस्टेंस नापने के लिए हम इस मेथड में अप्लाई करेंगे। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर मेथड, पोटेंशियोमीटर मेथड, केल्विन ब्रिज मेथड। लो रेजिस्टेंस मीन्स यहाँ पे जब रेंज अप टू 1 ओम रहेगा उसी टाइम इस मेथड में हम मेजरमेंट करेंगे। इसके बाद मीडियम मेथड टू मेजरमेंट रेंज, इसमें भी एमीटर वोल्टमीटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वेस्टर्न ब्रिज मेथड। ठीक है, इस रेजिस्टेंस वैल्यू जब 1 ओम टू 100 किलो ओम के बीच में रहेगा, इन तीनों मेथड में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एमीटर वोल्टमीटर मेथड, दो में सब्स्टिट्यूट मेथड एंड वेस्टर्न ब्रिज मेथड। ठीक है, इसके बाद मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे तीनों मेथड में हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एक डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, दो में लॉस चार्ज मेथड, देन मेगा ओम ब्रिज मेथड। यहाँ पे जब ओमिक वैल्यू का रेंज है 100 किलो ओम से ज़्यादा होगी तब इसी मेथड में मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस चार्ज मेथड और मेगा ओम ब्रिज मेथड। मेगा ओम ब्रिज मेथड दूसरा नाम है मेगर मेथड, मेगर मेथड में हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस वर्सेस अर्थ रेजिस्टेंस, यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस और अर्थ रेजिस्टेंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है हम जानेंगे। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है उसका रेजिस्टेंस वेरी वेरी मोर, उसका जो आर इज लार्ज, वेयर एज अर्थ रेजिस्टेंस उसका वैल्यू लेस है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेगा ओम में मेजर करेंगे, वेयर एज अर्थ रेजिस्टेंस को ओम में ही मेजर करेंगे यहाँ से, और दोनों की रेजिस्टेंस हम सेफ के लिए ही हम यूज कर सकते हैं। इंसुलेशन रेजिस्टेंस मोर देन मेगा ओम, वेयर एज अर्थ रेजिस्टेंस इज लेस देन 1 ओम। ठीक है, तो देखिए हमारा जितना भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उतना ही अच्छा है, अर्थ रेजिस्टेंस जितना कम होगी उतना ही अच्छा है, वो सेफ्टी के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्त में शेयर भी कर दीजिए। अगर इसी वीडियो में आपको कुछ डाउट है या कुछ सुझाव है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं हमेशा इसी तरह के वीडियो बनाता रहता हूँ। और आपको अगर इसी टाइप के वीडियो चाहिए तो हमारा चैनल यानी कि ITI स्किल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।